हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ चेपी वर्मा। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड एज वेल एज देयर यूजेज ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए शुरू करते हैं कि नॉन मेटल्स फॉर्म क्या केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगर नॉन मेटल्स को हवा में एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं, जिसे कार्बन नॉन मेटल है। एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई भी दोनों में से मेटल नहीं है, दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड रिड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग वाटर। जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं बनने के बाद, अगर वो पानी में मिल जाते हैं तो पानी में मिलकर वो एसिड बना लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। इसीलिए CO2, SO2 ये गैसें, NO2 हवा में ऊपर मौजूद होती हैं अलग अलग चीज़ों के जलने से। तो जब बारिश होती है तो वहाँ बारिश के पानी से मिल जाती है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक पानी बन जाता है। और अगर पानी अंदर एसिड के परसेंटेज 5.6 से ज़्यादा होने लगती है, 5.6 तक हो जाती है, तो उस रेन को एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जैसे मेटल तो रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट एसिड से, लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि कोल और शक्कर है, इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो अभी आपके क्लास में नहीं है और अभी बड़ी क्लासेस के हिसाब से आप बात को देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शन है ये, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने पर ये इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो दो तरह से प्रोड्यूस करता है, लाइक मेटल्स और मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और उसके बाद में वो कंपाउंड बना लेती है। तो डोनेट करके इलेक्ट्रॉन आती है, लेकिन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है। इस तरह से क्या करता है, नॉन मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल्स एंड फॉर पॉजिटिव आयंस, दस द फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स HCl, H2SO4 आयनिक के पानी में घुलेंगे तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद नॉन मेटल्स। जैसे नॉन मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं तो आपस में दोनों शेयर कर लेते हैं, दो या तीन एटम जो भी होते हैं, तो ये शेयरिंग से कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को करता है। यूजिंग ऑफ नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको यूज करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोरीन, क्लोरीन शेयर है Cl2 के ग्रुप में, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्लोरीन इज यूज इन सोडियम क्लोराइड कॉमन सा जो घर में सब्जी वगैरह डाला जाता है, सफेद नमक, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वाइडली यूज इन आम फूड एंड इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लोरीन का। दूसरा बहुत अच्छा यूज है इसका, आपको याद है, इट इज यूज इन डिसइंफेक्टेंट, चीज़ों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, हार्ड वाटर को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ BLEACHIN, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका बहुत सारे यूज है। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, कपड़ों को जो स्पॉट वगैरह लग जाते हैं उन्हें हटाने के लिए ब्लीच करने के लिए होता है, पेपर इंडस्ट्री में जो रन को साफ करने के लिए, कागज का सफेद रन लाने के लिए यूज होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वाइड यूज है, ऑक्सीजन कंपाउंड लाइक देखिए, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड के रूप में होता है। तो ये जो है ग्लास इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। साथ साथ अभी ऑक्सीजन को बहुत दूसरे यूज में मैं बात करूँगा, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है तो हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है और हमारे लिए डायरेक्टली भी लाइफ सपोर्टिंग है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सपोर्ट हो रही है, हमारी लाइफ चल रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबसन, कंबसन आग जलाना, दहन करना, कंबसन, और कंबसन ऑक्सीजन की वजह से आसानी से हो जाता है, कंबसन सपोर्ट करती है। सो इट इज यूज इन वाइडली इंडस्ट्रीज, एयरप्लेन्स, एयरप्लेन की इंडस्ट्रीज में भी कंबसन के लिए होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी मिलेगी तो कंबसन जो होगा तो उसमें धुआं, कार्बन नहीं बनेगा,
अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो एयरप्लेन का भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वो जो कम्बसन टैंक है। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर यूज इन मेकिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड और बहुत सारे एसिड और साथ साथ बहुत सारे सिंथेटिक कपड़ों में भी इसका यूज किया जाता है। वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा जब सिल्क वगैरह बनाई जाती है तो सिल्क में धागा बनने के बाद या जो रेयन वगैरह के धागे बनते हैं तो उनको इसमें से गुजार देता है। इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इस सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। ठीक है सर, आप कहते हैं क्वेश्चन पर कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, सबसे ज़्यादा सभी एसिड से ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। नेक्स्ट सर, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन की क्वांटिटी अगर पूरी मिलेगी तो प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करते हैं, साथ साथ इनके यूज कर इसे फर्टिलाइजर्स बनाने में प्रयोग किया जाता है, इनका यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। अब इसके बाद सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन SiO2 ये सेमी कंडक्टर है और इसी की वजह से पॉसिबल हुआ आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं इन सभी चिप्स बनाई गई है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें आज हम मीडिया दैट मीन ये मीडिया वाले और हम ये सब फायदा उठा रहे सेल फोन का इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, जो कैमरा है आपका ये सब बहुत आसान हुआ छोटे लाइफ में बनाना। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये है सेमी कंडक्टर, दैट मीन्स टोटली कंडक्ट नहीं करता है और टोटली इंसुलेटर भी नहीं है, तो उसका यूज किया जाता है। अब आता है डायमंड। डायमंड इज यूज इन ज्वेलरी और ग्लास कटिंग। ग्लास कांच की शीट को काटने पैन बनाए जाते हैं, बहुत छोटा सा टुकड़ा डायमंड का डाल दिया जाता है जिससे कांच को काटा जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट यूज इन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल के लिए, कंप्यूटर फैक्ट्रियों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और भी चीज़ें हैं वहाँ इलेक्ट्रोड के रूप में, लेबोरेटरी में भी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जो जो एपरेटर्स होते हैं उन एपरेटर्स में वाटर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस तरह से। देखिए दूसरा डुप्लीकेटिंग के रूप में और पेंसिल के लीड आप आईटी जानते हैं, सो मैंने आपको कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में बता के एक हाईलाइट था, लेकिन बहुत डिटेल में आप चाहेंगे तो नेक्स्ट अभी वीडियो में देख पाएंगे। अगर आपको बड़ी डिटेल्स में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा बना करके उनके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूँगा। सो थैंक यू, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको मिलता रहे। थैंक यू।